तो वो डिपेंड करता है ठीक है विंडो अपन के माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं कि ओवन तीन ओवन टू है ओवन टू है ओवन टू है ओवन टू तो शायद ओपन सोर्स ओपन सोर्स है वो फ्री डाउनलोड है कोई लाइसेंस नहीं मैं यही तो पूछना चाह रहा था हां वो फ्री है अभी वो फ्री है उसका ये नहीं मालूम था कि वहां से मिल ओवन टू है वो फ्री है ओवन टू फ्री है ना वो मैं भी कर रहा हूं ये पर उसे ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हां मैनेज करना तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट और से आते हैं सबसे आसान यानी कि यही माइक्रोसॉफ्ट यूजर फ्रेंडली जो बनी है वो यही है वो माइक्रोसॉफ्ट और जो नॉर्मल है वो मैक है मैं भी यूज करती हूं मैं भी यूज करते हैं ठीक है तो वो डिपेंड करता है क्योंकि हम उनकी आदत हो चुकी है हमारे लिए हम इतना ध्यान देते हैं कोडिंग वगैरह पे हां जो लोग कोडिंग करते हैं उनको आदत होती है किसकी यूनिक्स की लिनक्स वही चीज वो ओवर टू लिनक्स कोई चीज नहीं यूज करता है यूएस में मोस्टली विंडो को यूज नहीं करता है ओवर टू यूज करते हैं ओवर टू या फिर लिनक्स यूज करते हैं हां लिनक्स डेल के ऑफिस में भी सारी वर्क चलती है क्योंकि उनका काम जो कोडिंग का होता है ना वो फिर थोड़ा फास्ट भी होती है विंडोज में वायरस वगैरह के बहुत खत्म वायरस वगैरह नहीं आते ठीक है तो आपके पास में ये विंडोज 7 की आपके पास में स्क्रीन आएगी सबसे पहले इसकी ठीक है और आपके पेज नंबर 15 सेम विंडो है 15 अब यहां तक आएंगे ठीक है ये चीज को आप इसके अंदर जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं आप बाद में भी देख सकते हो या फिर साथ में भी देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पे जैसे आपकी विंडो लोड होगी आपके पास में ये पेज है ठीक है यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल होता है हम इंस्टॉल लैंग्वेज इंग्लिश है ठीक है और यहाँ पे ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो ठीक है और जब ये भी होता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक तरह से आईएसओ फाइल होती है ठीक है आईएसओ फाइल ये होती है बता दो फिर सबको पता लग जाएगी मुझे भी पता लग जाएगी आईएसओ फाइल एंटर हो गया इसका हैं एंटर अरे एंटर तभी एक्सेप्टेबल हो गया जैसे कि हमारा नॉर्मल टेबलेट आवाज मत कीजिए हां बहुत सारा एप्लीकेशन होता है सो उसका एक इंस्ट्रक्शन होता है ईएससी का बटन है जो कि ईएससी का बटन है ईएससी है ये ना ईएससी वैसे जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज में एक बार एक्सटेंशन होता है जो कि कहते हैं इसको डॉट आईएसओ स्पेस का बटन स्पेस मैं तुम्हें रिमाइंड कर दिया हुआ है कुछ चेंज करने का है तो अगर ऊपर नीचे हो अगर इसको वो करो एफ5 ठीक है मैं आईओएस क्या होता है इमेज फाइल होती है ठीक है एरो के जैसे आप बेसिकली यूज करते हो सीडी डीवीडी में रखते हो इंस्टाग्राम ये होता है एक और काम होता है इसका कि जो बाकी जैसे क्लोना होता है क्लोने के अंदर बहुत सारी चीजें यूज करते हैं लेकिन आउटपुट में क्या लिखते हैं क्लोना उसके अंदर क्या है अपनी पता एंटर ठीक है तो आईएसओ फाइल ऐसे ही काम करती है आपकी आईएसओ फाइल में सारे क्या फीचर्स का एक कलेक्शन होता है ठीक है उनको एकजुट करके F10 और उसको आप सीडी या डीवीडी में बर्न कर सकते हैं तो जो आईएसओ फाइल बन के आती है मोस्टली इसलिए देते हैं क्योंकि इसके जो फीचर्स है इसके पार्ट ज्यादा बड़े होते हैं विंडोज के 3 GB की हुई 4 GB की हुई ठीक है तो उसके साइज को कंप्रेस करने की बाकी सारी चीजें मिल गई उनको एक ही फाइल में दे देते हैं जिससे आपको बार बार सारी फाइल्स को मैनेज नहीं करना है मैं आईएसओ फाइल आपको भी दिखा दूंगा ठीक है तो विंडो जो आपकी होगी वो आईएसओ फाइल से मिलकर बनती है क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामर्स होती हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या प्रोग्राम्स देते हैं हमें नहीं पता फोल्डर्स होते हैं जैसे आपने ओपन ऑफिस का फोल्डर देखा होगा उसमें सब ऑर्डिनेस फोल्डर होते हैं ना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वैसे ही वो ऐसा हमारे जैसे आईएसओ फाइल होती है बस इतना है कि उस आईएसओ फाइल को हम सीडी डीवीडी में कॉपी कर सकते हैं सेम ठीक है जैसे वर्ड के लिए काम करते हैं अन्नी बड़ाई बड़ा से तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो आईएसओ फाइल होती है अपने अकॉर्डिंग आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो जापान में जापान की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो हम मोस्टली हिंदी में नहीं करते हिंदी में शायद नहीं है हिंदी नहीं हिंदी में अवेलेबल है नहीं ये शायद बना तो सकते हैं प्रोग्रामिंग इतनी कॉम करता है ठीक
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट करना है, उसके बाद में ये ऑप्शन आता है आपके पास में। कभी कभी क्या होता है कि आपने सेम ISO फाइल यूज की है, ठीक है, और आपका सेशन करप्ट हो रहा है, तो उसको आप यहाँ से भी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका सिस्टम करप्ट होता है ना, तो आपके कुछ लोकेशन होती है आपके सिस्टम की जो विंडो का पार्ट होती है। कौन कौन सी लोकेशन होती है वो? जब आपका OS करप्ट होता है तो कौन कौन सी जगह पे आपका डेटा नहीं होना चाहिए जिससे आप उस डेटा लॉस से बच सकते हैं? सी में, डेस्कटॉप पे, हां डेस्कटॉप भी होता है, सी में विंडो वाइड डिफॉल्ट सी में इंस्टॉल होती है, ठीक है। और उसके बाद में जो उसके जो स्पेसेज है वो बढ़ जाते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, माई म्यूजिक, ठीक है, और आपका डी वो अलग रह जाए, उस पर रखनी पड़ता है, क्योंकि हम विंडो हमारी किस में सी में, तो हम सी को यूज करेंगे, डी में क्यों जाएंगे, डी के डेटा को क्यों छेड़ेंगे, वो अलग पार्टीशन है, ठीक है, और सी का अलग पार्टीशन है। तो जब भी कभी आप अपने डेटा को रख रहे हो तो बेटर यही है कि आप किसी अलग ड्राइव में रखो, ठीक है। जिन सिस्टम में एक ही ड्राइव होती है ना, उनमें डेटा लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपकी विंडो चली जाती है ना, तो आप डेटा को निकाल सकते हो, निकालने के तरीके तो बहुत है, पर बेटर है कि अपने डेटा को पहले से आप सेफ रखो। नेक्स्ट करो, स्टार्ट भी करो। मैं भी आपको ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं आपको चार पेन ड्राइव दूंगा, ठीक है, फिर आप कंबाइंड करके इनको इंस्टॉल करके देखो। अरे हाँ, स्विच है क्या? क्या है ये पूरा एग्रीमेंट? ये माइक्रोसॉफ्ट का एग्रीमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट और आपके बीच में। इसको नीचे लेना, इसको इतना कोई पढ़ता नहीं है, इतना बड़ा एग्रीमेंट है कि हम पढ़ने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो इनको कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है। तो ऐसी यही वजह होती है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले कुछ भी बोल सकते हैं अगर इसमें लिखा हुआ है, और जब तक आप इसके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब आप आगे नहीं जा सकते।